2019 में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पे डेट लिखा हुआ जिस ऊपर 6 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11, 12 एंड 13 अप्रैल तक क्या क्या घटना हुई थी, कब? 1919। हम तो हिस्ट्री जान सकते हैं और देख सकते हैं, हमें मौका नहीं मिला था उस समय, लेकिन अब मौका मिला है, बिल्कुल आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो में मौका मिला है, अब वीडियो आपको दिखाएंगे फाइनली। हम लोग तीसरा आ चुके हैं, क्या है, 13 अप्रैल 1919। क्यों दोस्तों, मतलब ये दिन हमेशा देशवासियों के दिल पे और हमेशा याद रहेगा मुंह पे, क्योंकि इस दिन बहुत बड़ा कांड हुआ जो दोस्तों जलियांवाला बाग कांड। तो आज हम इस दिन जानेंगे, क्योंकि उस दिन लाल खून का था जो भारतीयों को बहा था। मैं आपको बताऊंगा जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पे लिखा क्या क्या है और इस बारे में क्या क्या दिखाया गया, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को दिन हमेशा याद रहेगा भारत का हर देशवासियों के लिए। आप लोग देख सकते हैं जलियांवाला बाग, वैसे वहाँ पर जो प्रेजेंट उस समय थे उन्होंने इस घटना को सहा था, उन्होंने देखा था। आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ये दिन कभी भी भूला नहीं जा सकता है, 13 अप्रैल 1919 को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अंग्रेज शुरू से भारतीय से डरते थे, भारतीय लोग से डरते थे, क्योंकि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी लौटे थे उस समय तक उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो विद्रोह का भारत छोड़ो अंग्रेज, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हो गई थी। पंजाब और हरियाणा के सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होने लगे थे, 5000 से अधिक हर रोज लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए था। जैसे पता है बैसाखी का त्यौहार पूरे भारत में जोरों शोरों से मनाया जाता है, खास करके हरियाणा और पंजाब के किसानों से सर्दी की रबी फसल काट लेते हैं, उसके बाद उनको नई खुशियाँ होती, नए साल के जश्न मनाते हैं। उस समय अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्रिटिश की हार और नाकाम की सिद्धता शामिल हुई। ये आप मैप देख सकते हो, ये पंजाब का मैप है, पूरा पूरा पंजाब का मैप है, और अमृत शहर के गोल्डन टेम्पल, जैसे आप लोग देख सकते हो गोल्डन टेम्पल है, इसी के नज़दीक में हमला हुआ था, हत्याकांड की त्रासदी हम लोग कैसे भूल सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं आपको दिखाता हूँ मतलब किस तरह लोगों को कुचला गया था, मतलब एक बहाना देके, प्रोग्राम का बहाना देके, लोगों को लालसा देके वहाँ पर लोगों को मारा गया, 20,000 से अधिक लोग घायल हुए थे, 90,000 सैनिक मारे गए थे, 10 मिनट में केवल 400 से अधिक आदमी की हत्या हुई थी। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मेलिटी लिखा हुआ है, लेकिन उस समय जो थे उन्होंने ये फेस किया था, उन्होंने जाना था कि क्या था क्या नहीं था। आप लोग देख सकते हो किस तरह के मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड को किस तरह से रूप में आपको लिए दर्शाया गया है, आप सब देख सकते हो, सुन सकते हो। मतलब प्रथम युद्ध जब खत्म हुआ था 1914 से लेकर 1918 में प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय जो भारतीय 13 लाख सैनिक थे ना यूरोप और अफ्रीका में जाकर शामिल हुए थे, लेकिन उस समय भी 4300 शहीद हुए थे सैनिक, लेकिन अंग्रेज किसी भी तरह चाहते थे कि हम भारतीय को बिल्कुल कुचल दे, रास्ते से साफ कर दे, हम इनको नहीं देखना चाहते। लेकिन ब्रिटिश इतिहास की एक शर्मनाक हार थी, सबसे बड़ी हार थी। ये हमारा तीसरा म्यूजियम, मेरा तो बाल बिगड़ रहे हैं उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या करूँ, आज प्लान नहीं था ना कि सडनली उठा सुबह और चला आया। ये शायद हमने तीसरा म्यूजियम देख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद एक और म्यूजियम बचा, क्या, वेपन। वेपन देखेंगे किस किस प्रकार का हमारे युद्ध में काम आए थे वेपन, हम तो हिस्ट्री जान सकते हैं और देख सकते हैं, हमें मौका नहीं मिला था उस समय, लेकिन अब मौका मिला है, बिल्कुल आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो में मौका मिला है, अब वीडियो आपको दिखाएंगे फाइनली। काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, मतलब लाइट भी चल रहा है, टीवी भी चल रहे, टेलीविज़न सब कुछ चल रहा है, मैं दिखाऊंगा कि संसद में क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे मतलब पास्ट की बात है, जो चीज़ हो रही पास्ट की बात है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है म्यूजियम देखते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे 9 दलाली 9 वकील 9 अपील, मतलब ब्लैक दोनों। हम तीन म्यूजियम घूम चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक की जो जो घटना हुई थी, मैं आपको थोड़ा सीन दिखा दे रहा हूँ, मैं फोटो आपको दिखा दूँगा अपने डिस्प्ले पे, देख सकते हैं क्या क्या घटना हुई थी 1919 में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पे डेट लिखा हुआ जिस ऊपर 6 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11, 12 एंड 13 अप्रैल तक क्या क्या घटना हुई थी, कब? 1919 में। आपको फोटो दिखा अपलोड कर दूँगा, फोटो भी देख सकते हैं आप लोग इसका। दोस्तों लास्ट म्यूजियम घूमने से पहले हमने सोचा कुछ ड्रिंक ले लिया, जब तो हम लोग वेपन देखेंगे, हथियार देखेंगे और फिर लड़ाई के युद्ध में
मतलब समझ रहे हो ना, अंदर देखेंगे और आपको दिखाएंगे जी। ड्रिंक पीने के बाद आप चल दिए हैं फोर वेपन, वेपन देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप लोग वीडियो भी इस तरह तब देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जिन्होंने लाल किला का दृश्य नहीं देखा है, मैंने सब नहीं देखा, ऑलमोस्ट सभी ने देखा लाल किला, लेकिन मैं आपको इसका चौथा दिखाता हूँ, वेपन। जी हाँ दोस्तों, चौथा म्यूजियम वेपन का म्यूजियम है। इससे पहले तीन म्यूजियम आप लोग देख चुके हो, चौथा म्यूजियम एंट्री करते हैं।